अब तक आपने देखा कैसे रामा भी वैद्य के साथ मिलकर तथाचार्य को सबक सिखाने की योजना बनाता है और अपनी चतुराई से तथाचार्य को भरोसा दिलाता है कि उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है, जिसके कारणवश तथाचार्य वैद्य के पास जाते हैं और उनसे औषधि लेते हैं। औषधि के कारण तथाचार्य की मानसिक अवस्था पर प्रभाव होता है। रामा को स्वस्थ देख महाराज खुश तो हो जाते हैं, परंतु तथाचार्य को द्वारपाल बना देख महाराज चिंतित हो जाते हैं और रामा से इसका उपाय मांगते हैं। अब आगे एक उपाय है महाराज, जिससे संभवतः आचार्य का उपचार हो सकता है। क्या उपाय पंडित रामकृष्ण? हम तत्पर है, शीघ्र बताइए। महाराज, यदि हम यही व्यक्ति परिवर्तन करने वाली औषधि का सेवन आचार्य को करवाएं और उनके कान में वो सब कहें जो वो पहले थे, अर्थात द्वारपाल बनने से पहले जैसे आचार्य थे, यदि हम वो सारी बातें उनके कान में कहें तो संभवतः वो पहले की तरह आचरण करने लगेंगे, अर्थात पूर्ववत हो जाएंगे। तो पंडित रामकृष्ण, प्रतीक्षा किस बात की है? शीघ्र कीजिए उस औषधि का उपयोग और गुरुवर को ठीक कीजिए। जो आ गया महाराज। जी जी। द्वारपाल जी। जी। महाराज का आदेश है कि आपको इस औषधि का सेवन कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। नहीं, हम केवल एक ही हाथ आगे कर सकते हैं। दूसरे हाथ में हमारा भाला है जिसे हम त्याग नहीं सकते। ये जो भाला होता है ये द्वारपाल के शरीर का अंग होता है श्रीमंत, जिसे पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रहने दीजिए। आप अपने दोनों हाथ आगे मत कीजिए, मुंह खोलिए अपना। जी। महाराज, अब हमें एक ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो आचार्य को संपूर्ण रूप से जानता हो और धनी मनी से अधिक उपयुक्त। इस कार्य के लिए और कौन हो सकता है? धनी मनी, जाइए और आचार्य के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उनके कान में जाकर विवरण कर दीजिए। जी रामकृष्ण। कपटी, पखंडी, दुष्ट, ढोंगी, पापी, पंडित रामकृष्ण से द्वेष रखने वाला ईर्ष्यालु, घमंडी, पूरे राज्य को लूट कर खाने वाले बुढ़ऊ, महाराज को ठगने की नित्य नई योजना बनाने वाले प्रपंची हो तुम। उठ 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 उठ। हम यहाँ दरबार में क्या करें? हम दरबार में कैसे आ गए? हम समझ नहीं पा रहे हैं दरबार में हम। गुरुवर शांत हो जाइए, हम आपको सब कुछ विस्तार में बताते। परंतु महाराज, हम तो अपने आवास में थे, तुम यहाँ कैसे आ गए हम? आचार्य, उस वैद्य ने आपको ऐसी औषधि दे दी थी जिसके कारण आप द्वारपाल बन गए। हम द्वारपाल बन गए थे, परंतु हमने तो वैद्य को कहा था कि हमारे कहने पर। ओ अच्छा अच्छा, तो उस वैद्य ने हमें स्मरण शक्ति की औषधि ना देकर कुछ और दे दिया। महाराज, हम उस वैद्य को तो नहीं छोड़ेंगे, कदापि नहीं छोड़ेंगे, और उसे भी नहीं छोड़ेंगे जिसने वैद्य से ये कार्य करवाया। आचार्य, मुझे लगता है आपको आराम करने की आवश्यकता है। महाराज, आचार्य को आराम करने की अत्यंत आवश्यकता है। उचित बात कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण। गुरुवर, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा विश्राम करें। धनी मनी, आप गुरुवर को सकुशल उनके घर पर ले जाइए। जी महाराज। चलिए। पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। आपने एक बार फिर
अपने चातुर्य से इस समस्या का समाधान कर दिया है। आपने न केवल स्वयं को अपितु गुरुवर को भी ठीक कर दिया और एक वैद्य के अनैतिक कार्य को सामने लाकर आपने संपूर्ण राज्य की रक्षा की है। हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और इसीलिए आपको पुरस्कृत भी करेंगे। धन्यवाद महाराज। परंतु पंडित रामकृष्ण, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी महाराज। जब आपकी स्मृति लुप्त हो गई थी तब आपने मंत्रीवर को महाराज कहकर क्यों संबोधित किया था? क्या हमारा व्यक्तित्व महाराजाओं जैसा नहीं है? क्या महाराज के राजा ऐसे खाते पीते घर का मोटा ताजा होना चाहिए, ऐसी सामान्यतः मान्यता है? पंडित रामकृष्ण, आप परोक्ष रूप से हमें मोटा कहकर हमारा उपहास कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं मंत्रीवर, नहीं नहीं मेरा वो अर्थ नहीं था, आप समझे नहीं वो। अच्छा तो अब हम ना समझ भी हो गए? अरे नहीं नहीं, आप कहां से कहां पहुंच गए, मैं तो ये कह रहा था कि महाराज। पंडित रामकृष्ण। हाँ। महाराज, आप कोई विचार में डूबे हुए हैं, ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतने व्यग्र और चिंतित हैं? नहीं मंत्रीवर, कुछ विशेष नहीं। हम जीवन में सुख और दुख के चक्र के विषय में चिंतन कर रहे थे। सुख और दुख दोनों अनिवार्य पहलू है जीवन के। हम ये विचार कर रहे थे क्या इन दोनों का एक ही वाक्य में समावेश हो सकता है, एक ही वाक्य में ये परिभाषित हो सकते हैं कि नहीं, जिसमें इन दोनों का संपूर्ण अर्थ निहित हो। हम ये विचार कर रहे थे। गुरुवर, आपका इस विषय में क्या विचार है? महाराज, आप तो जानते हैं कि हमें शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों के विषय में हर प्रकार का महाज्ञान है हमें। परंतु महाराज, यह असंभव है कि जीवन के सुख और दुख को एक वाक्य में परिभाषित किया जा सके। क्षमा करें महाराज, परंतु मेरे विचार से ये संभव है। गुरुवर, जहां पर आपका ज्ञान समाप्त होता है ना, पंडित रामकृष्ण के ज्ञान के द्वार वहीं खुलते हैं। उत्तम पंडित रामकृष्ण, आपका कोई सानी नहीं, अद्भुत है आप, अद्वितीय। क्षमा करें महाराज, पंडित रामकृष्ण ने ऐसा क्या लिख दिया जो आप इतने प्रसन्न हो रहे? गुरुवर, इसमें एक ही पंक्ति लिखी हुई है, ये समय भी बीत जाएगा। अर्थात? अर्थात मंत्रीवर, यदि इसे कोई दुखी आदमी पढ़ेगा तो वो दुखी हो जाएगा कि ये समय बीत जाएगा, और यदि इसे कोई दुखी आदमी पढ़ता है तो उसे सुख प्राप्त होगा कि वो दुखी समय भी बीत जाएगा। इसमें सुख और दुख दोनों समाये हुए हैं, दोनों का मर्म छिपा हुआ है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। साधो 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 साधो। महाराज, तालिकोटा राज्य के सुल्तान शमसुद्दीन जफर के दूत बन्ने खान इस राज दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। हाँ मंत्रीवर, हमने उन्हें एक
संधि प्रस्ताव भेजा था, संभवतः उसी विषय में वार्तालाप करने आए होंगे। उन्हें शीघ्र भीतर बुलाया जाए। जी महाराज। आदाब अर्ज करता हूं हुजूर। आदाब आदाब। बन्नेकान, हमें आपका अभिवादन अच्छा लगा। आदाब अर्ज करता हूं हुजूर। आदाब आदा आदाब। बस 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 बस। आदाब आदाब। हमारी कमर है, तीर कमान नहीं है जो खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। महाराज के समक्ष अपने आगमन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। हुजूर, हमारे सुल्तान शमसुद्दीन जफर खान ने आपके हुजूर में छोटा सा नजराना भिजवाया है। हमारे मित्र ने हमारे लिए भेंट भेजी है, हम प्रसन्न हुए और सहर्ष इसे स्वीकार भी करते हैं। और बन्ने खान जी, आपके सुल्तान ने उनकी आदत अनुसार, उनके स्वभाव अनुसार इस बार कोई पहेली नहीं भेजी है हमारे लिए। हुजूर, हम आपके दुरुस्त याददाश्त को सलाम करते हैं। बेशक इस बार भी हमारे सुल्तान ने एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर की है। हुजूर, दरअसल इस खाली मटके में हमारे सुल्तान का संदेशा है। हमारे सुल्तान की ख्वाहिश है कि वो आपसे सुलह करें। बेशक इसमें उन्हें भी फायदा होगा। सुल्तान ने सुना है कि आपके राज्य में कई अक्लमंद और जहीन लोग हैं। सत्य कह रहे हैं आपके सुल्तान। इसीलिए हमारे सुल्तान ने ये खाली मटका आपके हुजूर में भेजा है, ताकि मेहरबानी करके आप इसमें कुछ बुद्धि भरकर भेज दीजिए। बुद्धि डाल के भेजी जाए, जो उनके काम आ सके, सुल्तान की यही मंशा है। यह असंभव है। आपके सुल्तान ने संभवतः महाराज के साथ परिहास किया है। मनुष्य की बुद्धि भला एक मटके में कैसे भरी जा सकती है? असंभव। नहीं गुरुवर, ये परिहास नहीं है। हम इनके सुल्तान को विगत कई वर्षों से भली भांति जानते हैं। यदि ये इस मटके में बुद्धि चाहते हैं तो हम उनकी ये मंशा समझ गए हैं और इसे अवश्य पूरी करेंगे। परंतु कैसे महाराज? कि हमारे राज दरबार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस मटके में बुद्धि भर सके, ताकि हम अपने मित्र की मंशा पूरी करें और उनके प्रश्न का उचित परिउत्तर दें। क्या यह संभव है? जी महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, तो स्पष्ट कीजिए कैसे संभव है ये। जो आगे महाराज, बुद्धि कई प्रकार की होती है। पहली कपटी बुद्धि, जो केवल दूसरों को हानि पहुंचाती है। दूसरी होती है लालची बुद्धि, जो केवल स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है। पंडित रामकृष्णा, ये बार बार आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? अरे नहीं नहीं आचार्य, मैं तो केवल अपने कथन की पुष्टि हेतु आपको देख रहा था कि मैं जो कह रहा हूँ वो उचित है या नहीं। जी हाँ हाँ, उचित है, उचित है। आगे बढ़िए। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। तीसरी बुद्धि होती है राजनैतिक बुद्धि, जो हमारे मंत्रीवर तिमरासु जी के पास है। चौथी होती है समदृष्टि बुद्धि, जो या तो ईश्वर के पास होती है या उन राजाओं के पास होती है जो सक्षम होते हैं, जैसे कि आप। पंडित रामकृष्ण, यदि चार बुद्धियां हैं तो पांचवी बुद्धि भी होगी। जी महाराज, पांचवी बुद्धि है सात्विक बुद्धि,
जो सदैव यही संदेश देती है कि यथा संभव सबका हित करो, कभी किसी को हानि मत पहुंचाओ। परंतु महाराज, ये बुद्धि थोड़ी अल्प मात्रा में होती है। यदि इस मटके को इस बुद्धि से भरना हो तो कुछ समय लग सकता है महाराज। पंडित रामकृष्ण, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट करें। जी मंत्री बहन। महाराज, आदरणीय बन्ने खां जी को पूरे आदर सत्कार के साथ राजकीय आतिथ्य प्रदान किया जाए और मुझे एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाए। मैं इस मटके में बुद्धि एकत्रित करके प्रस्तुत कर दूंगा। परंतु महाराज, सात्विक बुद्धि तो केवल हमारे पास है, हम भी बुद्धि प्रदान करेंगे। ये राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है महाराज। पूरे राज्य को ये बुड्ढा लूट कर अब दान देने की बात कर रहा है और वो भी बुद्धि का दान जो कि इसके पास आई नहीं। उचित है, उचित है गुरुवर। तो आप दोनों महानुभव अपने अपने प्रयास का प्रारंभ करें और हम एक सप्ताह के पश्चात इस मटके में बुद्धि भर कर यहाँ पर इसी रात दरबार में भेंट करेंगे। जी महाराज। और तब तक मंत्रीवर, बन्ने खान की हमारे अतिथि गृह में रहने की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। हम भी पंडित रामकृष्णा के साथ प्रतियोगिता के चक्कर में नई नई समस्याएं मूल ले लेते हैं। अब इस मटके में बुद्धि कैसे भरेगी? कौन अपना सर हथौड़ी से फोड़ कर बुद्धि दे देगा? कोई नहीं देगा। क्या कर रहे हो? हथौड़ी से सर फोड़ोगे हमारा? अरे मूर्ख, मिल गया स्थान। कैसा स्थान? कील ठोकने का स्थान गुरुजी। कील ठोकोगे तो हम मर जाएंगे। हम तो सदैव कील ठोकते रहते हैं, इससे पूर्व तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। इससे पूर्व हमारे सर पर कील कब ठोकी गई? सर में? अरे गुरुजी, आपके सर में कौन कील ठोंक रहा है? ये कील तो हम उस दीवार पर ठोंक रहे हैं, देखिए अपने पीछे। ठीक है, ये हथौड़ी और कील छोड़ो। गुरुजी, हमने तो आपके ही आदेश का पालन किया। आपको अपने पैर हटा लेना था ना गुरुजी। चुप, पूरी बात सुना करो। मुर्खो, हमने कहा कील और हथौड़ी छोड़ो और ये सोचो इस मटके में बुद्धि कैसे भरी जाए, इस मटके में बुद्धि कैसे भरी जाए। इसके लिए गुरुजी पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि इस मटके में बुद्धि भरनी किसकी है। हाँ, अगर इस मटके में हम मिट्टी भरते हैं तो वो धनी की बुद्धि होगी और अगर इस मटके में भूसा भरे तो मनी की बुद्धि होगी। अगर इसमें हम सांप बिच्छू गोंजर भर देते हैं तो उसमें गुरुजी आपकी बुद्धि होगी। जी गुरुजी। हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए कि मटके में क्या भरना है। क्या गुरुजी? बादाम। बादाम खाने से बुद्धि तीव्र होती है। गुरुजी, बादाम खाने से बुद्धि तीव्र नहीं होती? आप भी तो प्रतिदिन बादाम निकलते रहते हैं। तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का ये तात्पर्य है कि पंडित रामकृष्णा तो बादाम नहीं खाता, परंतु उसकी बुद्धि आपकी बुद्धि से कितनी तीव्र है ना? हमारे समक्ष पंडित रामकृष्णा की प्रशंसा मत किया करो। हमने तय कर लिया है कि हम बादाम से भरा मटका राज दरबार में प्रस्तुत करेंगे, तो अवश्य प्रस्तुत करेंगे। एक मूर्ख ने बुद्धि मांगी और दूसरा मूर्ख मटका लेके बुद्धि भरने चला है। तुम मुझे मूर्ख कह रही हो? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे, अम्मा कह रही है। शब्द केवल हमारे हैं, विचार तो अम्मा के हैं। परंतु अम्मा सच ही कह रहे हैं, आप बुद्धि लाएंगे कहाँ से? लानी तो पड़ेगी शारदा। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरे पास बहुत बुद्धि है ना, तो मैं थोड़ी बुद्धि मटके में डाल रहा हूँ। ओहो, देखो तो कितना बुद्धिमान लड़का है। गुंडप्पे, एक खाली मटके से दूसरा खाली मटका नहीं भरा जा सकता। हट, हट, हट। जीवन जीने की 500 सलाह एक पर्ची पर लिखकर इस मटकी में डालकर उस सुल्तान को भेज देंगे।
प्रतिदिन वो सुल्तान एक पर्ची पढ़कर अपना जीवन सुधार लेंगे और फिर ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कभी नहीं करेंगे। अरे अम्मा, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, इससे तो मटका भर बुद्धि भी हो जाएगी। उठा लो। क्या? कलम उठा लो। अम्मा इशारा करेंगी, हम अनुवाद करेंगे और आप लिखेंगे। शारदा, अम्मा ने मौन व्रत लिया है, लेखन व्रत नहीं है, वो स्वयं भी लिख सकती है। ओहो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सुल्तान ने बुद्धि मांगी है, सलाहें नहीं मांगी है। लामा, तो बुद्धि कहाँ से लाएगा? एक उपाय है। क्या? इस मटके में बुद्धि उगानी पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.